हैप्पी मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का टाइम है और मैं नहा ली हूँ, लेकिन मैंने अभी कपड़े चेंज नहीं किए, मुझे जाना है काम पे। मैं आराम से रिलैक्स बैठी हूँ, अभी थोड़ा सा मेरे को आलस आ रहा है अभी। एक्चुअली सुबह पता क्या हुआ, दिखाती हूँ सुबह क्या हुआ था, और मुझे नेम ने उसमें हेल्प की, तो देखो आप। मीनू, ये देखो छोटा सा बच्चा कैसे आ गया ऊपर से, गिर के आया, उड़ के आया, पता नहीं है, ये चला जाएगा अपने आप। मीनू इधर आओ जरा, भाई बच्चा चला जाएगा ऊपर अपने आप, उड़ जाएगा छोटा सा बच्चा, देखो सही आके। अरे कबूतर का छोटा बच्चा है, लेती तो मैं भी नहीं हूँ, बट मैं क्या करूँ, इस छोटा सा नीचे गिर गया है या क्या चक्कर है। मैंने ऊपर की जगह हमेशा कवर करके ही रखती हूँ मैं हर बार, तब भी पता नहीं कबूतर कैसे वहाँ पे घर बना लेते हैं, उनको लगता है सेफ जगह लगती है और ऊपर सारा गंदा कर देते हैं। अब ये बेचारा मुझे लगता है ऊपर से गिर गया नीचे, और ये भी उड़ भी नहीं पा रहा, नया नया उड़ने का शौक चढ़ा होगा ना, पंख आए होंगे इसके, ज्यादा फड़फड़ा रहा होगा। अरे कबूतर के बच्चे को पाल लो, पूरा चिड़ियाघर बना लो अपने घर को, है ना मीनू। नेम हाँ? वो छोटा सा बच्चा बैठा कबूतर का, प्लीज उठा दो आके, बिल्ली घूम रही है, मोटे मोटे बिल्ले घूम रहे हैं यहाँ पे ना, डर लग रहा है, कोई लेना जाए उसको उठा के। क्या बिल्ली आ गई क्या? बिल्ली नीचे घूम रही है, वो बेचारा डर रहा है वो। तो ठीक है, मैं उसके पास ही बैठी हूँ, जल्दी आ जाओ, है ना, छोटा सा है बच्चा वो। आ जाओ फटाफट से। हेलो हेलो बेबी, हेलो बेबी, कैसे गिर गया नीचे तू, छोटा सा बच्चा, कैसे गिर गया नीचे, कैसे गिर गया। चलिए आप चलो यहाँ पे, आप जाओ यहाँ से, आप डरा दोगे उसको, और जाओ गो। नेम वो छोटा सा बैठा है और ऊपर से गिर गया, कैसे उठाओगे इसको। अरे अरे डर रहा है बेचारा, चेरी चेरी चेरी, अरे यही डर रहा है बेचारा, चेरी चेरी का पकड़ डाले, चेरी के उसको नहीं पकड़ इसके ऊपर से गिरा। हाँ कैसे रखोगे, कोई सोच नहीं कैसे रखोगे, दिखाओ कैसे इसकी शक्ल, दिखाओ देखिए कितना प्यारा, डर रहा है जरा, खिड़की खुल जाएगी, प्यारा सा छोटा सा, उड़ने की कोशिश कर रहा है वो, उड़ते उड़ते गिर गया वो, चुप डर रहा है, वो डर रहा है, उसको बिठा दो घर पर, ठीक है। इसकी मम्मी बैठी हुई है ऊपर, इसकी मम्मी खाने लाने तो गई, इसकी मम्मी ने कुछ हेल्प कुछ किया क्यों नहीं, इसकी मम्मी ने लेके उठा के निप पर जाती होगी ना वापस, कैसे लेके जाएगी, बड़ा हो गया ना अभी, चला गया, बाय बाय, थैंक यू सो मच नेम, थैंक यू शेरी, थैंक यू बोल दो भैया को, थैंक यू बोल दो। हाँ जी देखा आपने, छोटा सा प्यारा सा पिजन का बच्चा था, और मतलब कैसे गिर गया ऊपर से, और फिर नेम ने मुझे हेल्प की, तो मेरे को समझ में आता मुझे कैसे उठाऊंगी, क्योंकि वो डर भी रहा था ना, तो मुझे लगा कि मैं बुला लूँ नेम को, वो उसको आराम से लगा ऊपर रख दे, ऊपर चढ़ना भी था, मैं कैसे चढ़ती। तो थैंक्स टू नेम कि उसने हेल्प की, अब छोटा सा पिजन का बच्चे को उसकी मम्मी के पास ने बिठा दिया आराम से। हम उसको बाय बाय करके आए थे क्या हमने, बाय बाय, ही वाज सो हैप्पी। तो मेरे को ऐसे ना अटपटांग काम करने में मजा आता है, अटपटांग क्या, छोटा सा बच्चा गिर गया उसकी हेल्प तो करनी चाहिए ना। और अगर आप लोगों को, मैं आपको एक ही चीज़ कहती हूँ, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ भी कुछ दिखता है ना जानवरों के साथ, तो प्लीज़ हेल्प कर दिया करो, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। और बस मैं देखती हूँ बहुत लोग हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ लोग ना इग्नोर करके निकल जाते हैं, अगर वो भी करें ना हेल्प, तो कितना अच्छा हो जाए ना। आई बी वेरी हैप्पी अगर हम सब पशु पक्षियों की हेल्प करें, तो प्लीज़ आप भी इस बारे में सोचना और कर दिया करो हेल्प, ठीक है।